हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 9th का पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग, जहां लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट किया था। यहां पे हमने टॉपिक 1 के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के 1 टू 24 24 क्वेश्चंस थे, इनमें से 19 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए थे, 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 से। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। आपको बताना है कि कौन सी मैटर की कौन सी दो कैरेक्टरिस्टिक डेमोन्स्ट्रेट हो रही हैं, डिफ्यूजन से या ब्राउनियन मूवमेंट से। देखिए, कोई भी चीजें डिफ्यूज क्यों करते हैं? पहली बात भैया, कोई भी चीज इंटरमिक्स कर सकती है जब वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही हो। तो पहली चीज तो चाहे वो ब्राउनियन मूवमेंट हो चाहे वो डिफ्यूजन हो, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं। और दूसरी बात, कोई भी चीजें उतनी आसानी से इंटरमिक्स होंगी जितना कि छोटा उनका साइज होगा। तो दूसरी बात जो यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बनता है। तो हम लोग दोनों को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ। आंसर नंबर 25 के लिए टू कैरेक्टरिस्टिक जो मैटर की यहाँ पर एक्सप्लेन हो पा रही है वो पहली क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, और दूसरी मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये दो मैटर की प्रॉपर्टीज हैं जो दोनों ही चीज एक्सप्लेन कर रही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट में दे दोनों आंसर चले जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, नेम द साइंटिस्ट हु स्टडीड द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन सस्पेंडेड इन वाटर थ्रू ए माइक्रोस्कोप। व्हाट इज दिस फिनोमेना इज नोन एज। देखिए, आपके एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन सर ने क्या करा, वाटर लिया और वाटर में पोलन ग्रेन को डाला और फिर उन पोलन ग्रेन के मूवमेंट को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया, तो देखा कि वो पॉलन ग्रेन एक जिगजैग मूवमेंट कर रहे हैं जिसको उन्होंने ब्राउनियन मूवमेंट नाम दिया था। तो साइंटिस्ट का नाम क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। आंसर नंबर 25 26, साइंटिस्ट कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट ब्राउन, जो इन्होंने फिनोमेना ऑब्जर्व किया वो क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, इस चीज को याद रखेंगे। क्वेश्चन की फॉर्म में देखिए, कुछ चीजें अगर नहीं होती तो क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन और ब्राउनियन मूवमेंट में क्या। नेक्स्ट है आपका, व्हेन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इज प्लेस्ड इन ए बीकर। जब आपने पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल को एक बीकर में रखा, आपने क्या करा, एक बीकर लिया उसमें वाटर को लिया और उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल को रख दिया, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो क्या होता है देखो, इट्स पर्पल कलर स्प्रेड थ्रू आउट द वॉटर। ऐसा करने पर इसका जो पर्पल कलर है वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन है, पूरे के पूरे वॉटर में फैल जाता है। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन बिकम पर्पल। व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड वॉटर। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर के नेचर के बारे में क्या बता रहा है। देखो भैया, अगर पोटेशियम परमैंगनेट के एक छोटे से क्रिस्टल ने पूरे के पूरे वाटर के कलर को पर्पल कर दिया, इसका मतलब ये पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल बहुत छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। मैं बोल सकता हूं, इट मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज पार्टिकल्स। दूसरी
दूसरी बात यहां पर आई है कि वाटर की किस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है भाई, क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स हैं वो अगर पूरे के पूरे में फैल करके पर्पल कलर प्रोवाइड कर रहे हैं तो पार्टिकल तभी फैल पाएंगे जब वाटर के पार्टिकल के बीच में क्या अवेलेबल होगा, स्पेस। तो इट मींस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज प्रेजेंट बिटवीन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स और उन खाली जगहों पर जाकर के उन वैकेंट स्पेसेस में जाकर के ये पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर गए होंगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सॉल्यूशन कुछ समय बाद कैसा हो जाएगा, पर्पल। तो ये हो गया आंसर नंबर 27। 28 देखते हैं। When a gas jar containing air is inverted over a gas jar containing bromine vapor, the red brown bromine vapor diffuses into air. Explain how bromine vapor diffuses into air. देखिए मैंने एक एक्टिविटी की बात करी थी कि हमने क्या करा, एक वैसल ली, इसमें हमने एयर को भर रखा है, इसके ऊपर एक वैसल को इन्वर्ट करके रखा, उसमें ले ली एयर और इसमें ले ली ब्रोमीन वेपर, जिनका कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन। तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कर जाएंगे, पूरा दोनों की दोनों वैसल रेड ब्राउन ऑब्जर्व होंगी। ऐसा क्यों हुआ, क्या होगा, दोनों की दोनों गैसियस पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होने का काम करेंगे, मूव करने का काम करेंगे, क्योंकि लार्ज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स कुछ भी लग नहीं रहा है, या वेरी वेरी लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कर जाएंगे। ये एयर जो थी वो आपकी कैसी होती है, कलरलेस होती है, इसीलिए उसका तो कोई कलर होगा नहीं, लेकिन जैसे ही ब्रोमीन वेपर भी ऊपर पहुंचेगी तो ऊपर की वेसल का भी कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ब्रोमीन वेपर और एयर की वेपर जो है या एयर के जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करते हैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिसके रिजल्टेंट ये इंटरमिक्सिंग या रेड ब्राउन कलर ऑब्जर्व होता है। तो अब लिख देंगे ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्रोमीन वेपर विद एयर, ब्रोमीन वेपर की एयर के साथ इंटरमिक्सिंग के रिजल्टेंट ये होता है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 28, आंसर नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। Describe in your own words what happens to the particles when salt dissolves in water. क्या होता है पार्टिकल्स का जब सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व करते हैं। देखिए जब मैंने सिंपली बोला था कि जब आपने वाटर लिया और वाटर में सॉल्ट को डाला तो जो सॉल्ट है पहले तो वो डिसोसिएट होकर के स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स में और ज्यादा टूट जाएगा, क्योंकि कोई भी मैटर वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज पार्टिकल से मिलके बनता है। उसके बाद ये जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अवेलेबल स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करने लगेंगे। तो क्या होगा, जब हम लोग सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्ट क्या होगा, अपने छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा और जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस अवेलेबल है उनको ऑक्यूपाई करने लगेगा। हम लोग क्या बोलेंगे, When we dissolve salt in water, then salt dissociate in large number of small sized particles which occupies the available space
बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। जो सॉल्ट है वो टूट जाएगा और छोटे साइज के पार्टिकल में, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस अवेलेबल है उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने का काम करेगा। ये होता है जब आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक्सप्लेन व्हाई वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू ए प्लैंक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। देखिए एक सिंपल सी बात को समझिए, अगर नॉर्मली हम लोग जैसे एक्सप्रेशन देते हैं हाथों को मूव करते हैं तो एयर है बाहर हमारे एटमोसफेयर में तो हाथों को बड़े आसानी से मूव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल चारों तरफ एटमोसफेयर जो होता है वो लकड़ी का होता है, वुडन ब्लॉक्स होते हैं। अब हाथ को मूव करते तो क्या आप हाथ को मूव करा पाते? नहीं, क्यों? क्योंकि वुडन ब्लॉक आ गई। तो बात आ रही है कि ऐसा क्यों कि आप जब एयर से या एटमोसफेयर से हैंड्स को मूव करते हैं तो आसानी से कर ले जाते हैं, लेकिन अगर उन्हीं हैंड्स को जब आप मूव करते हैं एक वुडन ब्लॉक से तो ऐसी सिचुएशन में उसको मूव कराने के लिए आपको एक कराटे एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? तो एक बात को समझिए, एयर की बात करें तो एयर के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है जिसकी वजह से उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से उनके पार्टिकल्स को कट करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन वुडन के ब्लॉक के केस में लकड़ी जो कि एक सॉलिड है और सॉलिड में पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है, डिस्टेंस बहुत कम होता है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में स्ट्रांग लग रहे होते हैं, और उन स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एक स्ट्रांग एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जिसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी एक कराटे एक्सपर्ट की। तो हम क्या बोलेंगे, देखो वी कैन मूव आवर हैंड इन एयर इजिली बिकॉज ऑफ लार्ज अवेलेबल स्पेस स्पेस एंड लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस बट टू डू द सेम थ्रू ए वुडन ब्लॉक we require a karate expert because position of particles in solid is fixed less interparticle distance and strong interparticle forces. Hence, we require a strong force to break it and require the karate expert. हम लोग अपने हैंड्स को बड़ी आसानी से मूव कर लेते हैं एयर से क्योंकि लेस अवेलेबल स्पेस ज्यादा होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते हैं, जबकि अगर यही काम हमें वुडन ब्लॉक से करना होता है तो हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए होता है, क्योंकि पोजीशन ऑफ पार्टिकल फिक्स है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से हमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए होगा उसे ब्रेक करने के लिए, और हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी कराटे एक्सपर्ट की। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। गिवन एग्जांपल ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन अनदर सॉलिड। जब सॉलिड को का डिफ्यूजन दूसरे सॉलिड के साथ हो रहा हो तो इसका एक एग्जांपल आपको देना है। थोड़ा प्यारा सा एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि जब चौक की हैंड से व्हाइट बोर्ड पे लिखा जाए और उसे एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए तो जो चौक है वो बोर्ड के साथ में डिफ्यूज होने लगती है, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ डिफ्यूज होने लगता है। या दो मेटलिक ब्लॉक ले लीजिए, उनको बाइंड करके बांध करके फ्यू इयर्स के लिए रख दीजिए, वो ब्लॉक एक दूसरे के साथ चिपकने लगेंगी, वहां पर भी सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ डिफ्यूज हो रहा हो। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन अनदर सॉलिड इज वेरी स्लो प्रोसेस।
आपको एक्सप्लेन करना है कि जो डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड है वो दूसरे सॉलिड में बहुत स्लो प्रोसेस है क्यों। देखो भाई, सॉलिड में डिफ्यूजन स्लो इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड के केस में पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होती है, अवेलेबल स्पेस होते नहीं है, मूवमेंट होता नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज वेरी स्लो प्रोसेस बिकॉज ऑफ लेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस या लेस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस एंड फिक्स्ड पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स रहती है जिसकी वजह से मूवमेंट कम होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत रेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूज फास्टर एंड विच इज स्लोएस्ट। आपको बताना है सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में सबसे ज्यादा तेजी से डिफ्यूजन किसका होगा और सबसे धीमे डिफ्यूजन किसका होगा और क्यों। तो भाई सिंपली बात, सिंपल सी बात है, डिफ्यूज फास्टर, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन कहां पे होगा, गैसेस का, और सबसे कम किसका होगा, सॉलिड का। डिफ्यूज स्लोअर क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ constant random motion of particles। और जबकि यहां पर diffusion slow क्यों होता है, due to strong attractive forces less or no movement or of particles। या तो particles move ही नहीं कर पाएंगे और या फिर बहुत कम movement होगा, जिसकी वजह से solid में diffusion या solid का diffusion सबसे कम, जबकि gases का diffusion सबसे ज्यादा या सबसे तेजी से होता है। Next है question number 34, explain the following, when an incense stick is lighted in the corner of a room, its fragrance spreads quickly in the entire room। जब आप एक अगरबत्ती को रूम के कॉर्नर में जला के रख देते हैं, कुछ समय बाद उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल जाती है, ऐसा कैसे। तो हम लोग बोलेंगे ऑन बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक इट प्रोड्यूस स्मेलिंग वेपर्स विच गेट इंटरमिक्स और डिफ्यूज विच गेट इंटरमिक्स विद एयर हेंस इट प्रोड्यूस फ्रेग्रेंस throughout the room। इसकी जो स्मेलिंग वेपर्स हैं वो एयर के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगी, पूरे के पूरे रूम में डिफ्यूज हो जाएंगी, जिसकी वजह से पूरे के पूरे रूम में उसकी स्मेल आने लगेगी। इट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेम द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। क्वेश्चन नंबर 35 है, आपको तीन स्टेट ऑफ मैटर बतानी है और तीनों के एक एक एग्जांपल। 35 की बात मैं कर लेता हूं, थ्री स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों के एक एक एग्जांपल, सॉलिड में आयरन, लिक्विड में वाटर,
गैसेस हैं ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये यहाँ पे इनके एग्जाम्पल भी हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है देखते हैं। स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ईच ऑफ आपको सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, तीनों की दो दो कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। सॉलिड देखो भाई, फिक्स्ड, सेम एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, वेरिएबल सेम, फिक्स्ड वॉल्यूम, वेरिएबल सेम एंड वेरिएबल वॉल्यूम। ओके, ये दो दो कैरेक्टरिस्टिक हो गई तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। व्हाई डू गैसेस हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस की ना तो फिक्स्ड शेप होती है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जो गैसेस हैं वहां पर पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं, और मोशन की वजह से जिस वेसल में वो जाते हैं उस वेसल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने का काम करते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा आंसर नंबर 37 में, इन केस ऑफ गैसेस वेरी लेस या वेरी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स, हैंस दे कैन मूव फ्रीली एंड कॉन्स्टेंटली, ड्यू टू विच दे गेन द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच इट इज कैप्ड। गैस को, गैस के केस में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली फ्रीली मोशन में रहते हैं, जिसकी वजह से आप जिस कंटेनर में उस गैस को रखते हैं उस कंटेनर की शेप को, उस कंटेनर के वॉल्यूम को वो गैसेस गेन कर लेती हैं, और हम बोल सकते हैं कि गैसेस के केस में ना तो फिक्स शेप होगी और ना ही फिक्स वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38। हाउ डू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस डिफर इन शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड, लिक्विड और गैस शेप और वॉल्यूम में कैसे डिफर है वो मैंने सामने ऑलरेडी लिखा है। सॉलिड के केस में फिक्स शेप होती है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड के केस में वेरिएबल शेप होती है लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है। गैसेस के केस में शेप और वॉल्यूम दोनों की दोनों चीजें वेरिएबल होती हैं। तो यही आंसर चला जाएगा फॉर 38। क्वेश्चन नंबर 39 है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल। आपको दिए हुए सब्सटेंस को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। एक है वाटर, दूसरा है शुगर और तीसरा है ऑक्सीजन। देखो ये कौन लिक्विड, ये कौन सॉलिड, ये कौन गैस। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स किसमें होंगे सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। तो लगा लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा वाटर, वाटर से ज्यादा शुगर, ये हो जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया आपका 39। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। गिव टू रीजन टू जस्टिफाई दैट वाटर इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर का मतलब अप्रोक्स 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली हम लोग को जो वाटर दिखता है वो कैसा होता है लिक्विड, तो ऐसा क्यों?
क्यों भैया? क्योंकि इसका इसकी शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होता है। सिंपल से आप कोई भी दो प्रॉपर्टीज बता दीजिए उसकी उस कंडीशन में। तो आंसर नंबर 40 का फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ए में क्या हो जाएगा? दो रीजन पूछे तो एक रीजन तो हो गया क्या, वॉटर हैविंग वेरिएबल शेप, और दूसरा हो गया वाटर हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम। और जब ये दोनों प्रॉपर्टी कोई भी सब्सटेंस पजेस करता है तो वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड। आयरन अलमीरा सॉलिड होगी क्यों? क्योंकि भाई वहां पर क्या होता है, एक तो देखो चलो वहां पे अलमीरा के केस में शेप और वॉल्यूम दोनों के दोनों क्या होते हैं, फिक्स होती है, फिक्स शेप रहती है। दूसरा रीजन फिक्स वॉल्यूम होता है, और ये दोनों चीजें हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए आयरन अलमीरा की सॉलिड स्टेट में पाए जाने के लिए। और भी कोई प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी को लेकर के रिलेट कर सकते थे, फ्लूडिटी को लेकर के भी रिलेट कर सकते थे। इस तरीके से हम लोगों ने जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 49 तक, उनमें से क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 40 तक मैंने डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 41 से 49 जो रह गए हैं वो आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं। अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।